न्यूज चैनल की तरफ से नमस्कार। संपूर्ण नगर से इस वक्त की खबर आ रही है, जहां पर भव्य देव सेवा संस्था द्वारा ही रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया है। संपूर्ण नगर में भव्य देव सेवा संस्था द्वारा ही जुनेजा क्लिनिक पर आए हुए यहां पर दिन गरीबों की सेवा के उद्देश्य के साथ क्षेत्र के अक्सर कोई ना कोई कार्यक्रम का आयोजन करते हुए इसी क्रम में आज सेवा संस्था द्वारा ही ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया है। क्षेत्र में व्यापारी ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। आपको बताया चले कि भव्य देव सेवा संस्था द्वारा ही हर महीने 8 तारीख की सेवा संस्था द्वारा ही हर महीने करीब गरीबों की सेवा के उद्देश्य में यहाँ पर प्रोग्राम करती है, गरीबों को कपड़े वितरण करती है और यहाँ पर महिलाओं को सैनिटरी यहाँ पर पैड वितरण करना तथा साथ में गरीबों को भोजन करवाने का कार्य भी करती है। इस सदर में डॉक्टर गुरमीत सिंह जुनेजा ने बताया है कि सेवा संस्था द्वारा आयोजित छोटे भाई ने उनके दुर्घटनाओं के मृत होने के उपरांत उनकी याद में यह सेवा संस्था निर्माण किया गया है, जिसमें 14 जिलों में इस प्रोग्राम को करवाया जाता है। प्राइम बेकिंग न्यूज शनि के लिए खास रिपोर्ट। ये हमारी एक NGO है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड NGO है, भव्य देव के नाम से। इसका हेड ऑफिस जो है लुधियाना में है। ये मेरा छोटा ब्रदर है लुधियाना में, उसके दो बच्चे और उनके दो दोस्त हैं। उनकी लास्ट 8 मार्च को एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, उसकी यादगार में ये भव्य देव नाम से एक NGO बनाई गई है। इस समय करीब 14 शहरों में हमारी भव्य देव संस्था सामाजिक कार्य कर रही है, समाज के मदद के लिए, गरीबों की मदद के लिए जो भी कार्य किया जा सकता है वो किया जा सकता है। और इसी के संदर्भ में हम और भी कई काम करते हैं। ब्लड डोनेशन तो एक हमने इस बार पहली बार लगाया है, इससे पहले हम रेगुलर बेसिस पे गरीब लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सभी 14 शहरों में प्रोवाइड किया जा रहा है, हमारे संपूर्ण नगर में भी ये कार्य चल रहा है। इसके अलावा हम फ्री लंगर लगाते हैं गरीब बच्चों के लिए और गरीबों के लिए। और इसके अलावा हम पुराने और नए कपड़े जो हैं, नए कपड़े भी बांटते हैं और पुराने जो यूज्ड कपड़े हैं गरीबों के लिए वो उनके काफ़ी काम आते हैं, तो वो हम लोगों से कलेक्ट करके वो लोगों में बांटते हैं। और इसके अलावा स्लम एरिया में जाके भी हम उनको, गरीबों को जो भी मदद कर सकते हैं वो हम मदद करते हैं। धीरे धीरे संस्था का काम बढ़ा रहे हैं और ये राष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं कि ये कार्य बढ़ाया जाएगा। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।